सो WWE फैंस, आज हम खेलने जा रहे हैं रिक रूड वर्सेस द अल्टीमेट वॉरियर, और ये शोकेस जो है क्या होने वाला है। लेट्स गो। Warrior wasted no time. Ultimate Warrior had steamrolled his challenger in the opening moments. So let's begin. With whom we are playing, भाई साहब? Oh. तो हम जो है रिक रूड के साथ खेल रहे हैं, और अल्टीमेट वॉरियर फोकस ऑन वॉरियर स्पाइन एंड अटैक इज हेड और थ्रोस टू कॉज सम लाइट डैमेज। ओके, एक तो डैमेज करना है और इसके अलावा वो रिवर्सल करो भाई। रिवर्सल हो गया। नाउ लॉन्च अ फ्लाइंग अटैक ऑन फ्रॉम द टॉप रोप। ओके, तो सबसे पहले तो जो है वॉरियर को जो है येलो करना है, दैट इज टास्क। और दूसरा जो है टॉप रोप से जो है जाकर मिस्टर वॉरियर को हमने जो है क्या करना है, हमने चलो भाई टॉप रोप पर चढ़ो, टॉप रोप पर चढ़ो और उसे खड़ने देना है, आई थिंक, है ना, कि ऐसे ही आ जाएगा वो, ऐसे ही आ जाएगा। ओके, करने की जरूरत नहीं है। विद समवन एज पावरफुल एज द अल्टीमेट वॉरियर इट इज अ गुड आइडिया टू यूज अ लाइट कॉम्बो टू स्टिक। ओके, खड़ा हो भाई। तो लाइट कॉम्बो जो है वो मारते हैं भाई साहब को। वन, वो रिवर्सल कर दिया। बाय द वे वो भी टास्क पूरा हो गया जो येलो वाला करना था। तो मीन बाय लाइट कॉम्बो भी हमारा कंप्लीट। Now slam ultimate warrior with an Irish whip. Okay, come. आजा भाई। Last time I remember Hulk Hogan वाले मैच में आई थिंक हमें ये वाली मूव करने में बहुत परेशानी हुई थी, बिकॉज हमें पता ही नहीं लग पा रहा था ये कैसे हो रहा है। तो इसमें जो सिंपल है, पहले इसे जो है मूव करो और साथ के साथ जो है येलो ओए रिवर्सल कर दिया। तो इसमें ये है कि आप जो है पहले तो सर्कल, अगर आप प्ले स्टेशन में खेल रहे हो उसके साथ साथ उसे कर कर जो है अपना, चाहे जो है स्क्वायर वाला बटन दबा दो, चाहे आप क्रॉस वाला बटन दबा दो। बिग टाइम रिंग अवेयरनेस शोन बाय द रैविशिंग वन टू कीप हिमसेल्फ इन द मैच। रूड नीडेड टू टेक एडवांटेज हियर बिकॉज़ हिज ऑपर्चुनिटीज फॉर ऑफेंस वर फ्यू एंड फार बिटवीन। ओके, कीप द मैच अपनी पेस पे और डैमेज करना है, और सिग्नेचर जो है वो भाई साहब को जो है करना है। चलो, एक तो डैमेज करो भाई इसे और सिग्नेचर। तो सिग्नेचर मूव के लिए जो है इसे डैमेज करना पड़ेगा और सिग्नेचर जो, वो ये क्या हुआ? चलो कोई बात, वो वॉरियर, ये वो वॉरियर ने जो है टॉन्ट भी मारा, स्टिल हमें उतना टाइम जो है नहीं मिला, बट कोई बात नहीं। वो डैमेज इज गोना बी डूइंग, ऐसे डैमेज करते रहो बस, सिंपल और सिंपल। और उसके बाद जो है जब हमारे पास आ जाएगा सिग्नेचर मूव, तो सामने खड़कर सिग्नेचर मूव लगाना है, दैट इज इम्पॉर्टेंट थिंग। वो रिकवरी नहीं करेंगे बिकॉज ऑब्वियसली हमें जो है सिग्नेचर मारना है। चलो भाई, चलो चलो चलो, वो अल्टीमेट वॉरियर वहां पर जो है रेड भी हो चुका है। लो, रेफरी अभी जो है अभी उसे लगाकर आया है टर्न बगल को, और उसका जो है मैनेजर या उसके साथ जो आया वो उसे जो है दोबारा लगा गया है। एनीवेज, तो वो टास्क कंप्लीट हो गई है, और हमें क्या मारना है, सिग्नेचर मारना है। तो हमारे पास सिग्नेचर मूव अवेलेबल है। यस, लग गई, आई थिंक लग गई। यस, कंप्लीटेड आई थिंक। अब क्या है, स्टे स्ट्रे ऑन हिम लाइट ग्रैपल। वो क्या हो गया। तो लाइट ग्रैपल जो है अब वो चलो ये भी कंप्लीटेड। इसके बाद टेल दीज पीपल, ओके क्राउड टाउंट मारना है, तो ओके क्राउड टाउंट भी हमने जो है मार दिया, दैट इज कंप्लीटेड एज वेल। वर्क ऑन इज आर्म, ओके आर्म पे जो है वर्क करना है, और उसके बाद जो है सेंड वॉरियर ऑन टू द रोप्स एंड मीट हिम इन द बिग रिबाउंड अटैक। तो रोप्स पे जो है उसे करना है। चलो पहले इसे जो है रोप्स पे वो रिवर्सल कर दिया। वो रिवर्सल, खड़ा हो भाई वॉरियर, खड़ा हो वॉरियर,
अच्छा इसके आर्म पर भी अभी वर्क करना है यार। चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं। वो रोप्स पे इस तरह, अब जो है वो फिर से रिवर्सल। भाई तेज है वॉरियर। बूम, वो वॉरियर क्या कर रहा है ये। चलो भाई रिवर्सल। चलो यार ऐसे मूड किया तो मैंने कहा फिनिशर भी लगा देता हूँ, ऑलरेडी पड़ा था मेरे पास। चलो भाई इतने में आम पर जो है वर्क किया जा सकता है। वो यार मैं पकड़ तो आम ही रहा था। भाई ये आम का डैमेज कर रहा है क्या ये। मैं साइड पे जाकर आम का डैमेज करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये हेड क्यों पकड़ रहा है बार बार। खड़ा हो भाई खड़ा हो। वो चलो ये कंप्लीट। और आम यार आम पे अटैक क्यों नहीं कर रहा ये, आम पे क्यों नहीं अटैक कर रहा ये। एनीवेज वर्क इज आम का हो गया ना, वो फिनिशर मारना है उस पे। वो फिनिशर तो मैं यहां पर भी ऐसे भी मार सकता हूँ आई थिंक। जस्ट अ सेकंड, मुझे आम वाला जो है वो जरूर चेक करना होगा। ओके यार आम पे जो है वो करना है तो आम पे यार मार तो रहा हूं। ओ वो इंस्टेंट रिकवरी। चलो भाई फिनिशर जो है मैंने सोचा पहले लगा लेता हूँ। चलो फिनिशर स्टन। यार आम पे क्यों नहीं अटैक हो रहा है ये। चलो अच्छा इस तरह, अच्छा इस तरह होगा आम पे। आम पे अटैक जो है स्क्वेयर से ही हो जाएगा। और मैं ऐसी ग्रैपल पकड़ पकड़ कर जो है मारने की कोशिश कर रहा था उसके ऊपर। बताओ खोदा पार निकली चूहिया। ओ नो 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 नो, आई थिंक ये फिनिशर है इसका। ओ इंस्टेंट रिकवरी कर सकते हैं। ओ फंस गए फंस गए फंस गए। ओ बाल बाल बचे भाई। इंस्टेंट रिकवरी करो भाई। ओ फिनिशर अगर अब फिनिश पर है ना, ओ मैं एक फिनिशर जो इसके ऊपर लगा ही देता। ओ रिवर्सल भाई साहब। भाई अगर एक फिनिशर अल्टीमेट वॉरियर को और पड़ गया ना मुझे स्टन हो गया भाई। मार लो मार लो। ओ वहां कहाँ जा रहा है। ओए खोते वहां मत जा भाई इसे। वो बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ। आई थिंक इसका डैमेज जितना हो सकता है कर दो, क्योंकि अल्टीमेट वॉरियर के पास जो है अच्छे खासे जो है फिनिशर्स यहां पर आ चुके हैं। और एक फिनिशर भी अगर पड़ा वो ए, खड़ा हो जा खड़ा हो जा खड़ा हो जा। वो खड़ा भी नहीं हो रहा खड़ा भी नहीं हो रहा है भाई। भाई खड़ा हो चल चल अंदर घुस अंदर घुस। भाई अल्टीमेट वॉरियर वैसे खराब बंदा पूरा। वो अल्टीमेट वॉरियर की तरफ से ये मैच अगर जो है सपोज अल्टीमेट, वो एक फिनिशर भी अगर अल्टीमेट वॉरियर का पड़ गया ना तो कहानी यहां पर जो है खत्म हो जानी है। चलो स्टन हो गया। चल भाई खड़ा हो। यू आर अप्लाइंग द प्रेशर कीप एन आर्म। ओके ओ वो
भाई बच गया, कैसे बचा मुझे भी नहीं पता, कैसे बचा मुझे भी नहीं पता। वो अल्टीमेट वॉरियर जो है क्या क्या करने वाला है, वो खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ। ओ थैंक यू, हमारे जो है ये मैनेजर हमारा है बॉस। चलो चलो खड़ा हो खड़े हो जाओ, रोप ब्रेक ना हो जाए बस यहाँ पर या वो। चलो भाई चलो यार, हो गया हो गया हो गया, आई थिंक हो गया। चलो 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 चलो, क्या है वो, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, छोड़ दो छोड़ दो। इन द रिंग गो टू अनदर रोप, पुट हिम अवे विद द फिनिशर स्टोर्ड। ओके वो वो हो गया काम, वो ओ नो अल्टीमेट वॉरियर, वो भाई अल्टीमेट वॉरियर जीत गया हमसे। वो आई थिंक वी हैव फेल्ड द मिशन। वो तो अगर आप फेल हो जाते हो तो क्या होता है। ओके सो अगर आप फेल हो जाते हो तो अल्टीमेट वॉरियर की जो है स्टोरी यहाँ पर जो आपको दिखती है, और वो चैंपियनशिप को उठाकर जो है अपनी सेलिब्रेशंस कर रहा होता है। सो ये भी एक अल्टरनेटिव जो है इन्होंने एंडिंग रखी है यहाँ पर। वो तो इसका मतलब क्या है कि हमारी स्टोरी अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है ये वाली, अब हमें जो है दोबारा से ये वाली स्टोरी जो है कंप्लीट करनी पड़ेगी। रिवॉर्ड्स हमें मिल गए हैं और ऑब्जेक्टिव हमने 12 out of 3 किए हैं, बट वो एक जो है इन द रिंग गो टू द अनदर रूड अवेकिंग पुट हिम अवे, और फिनिशर जो है वो जो है नहीं कर पाए हैं। बट कोई बात नहीं, इसे हमें जो है दोबारा से करना होगा, और अब मैं इसे जो है सीधा उसी पॉइंट पर जाकर मिलूंगा आपसे जिस पॉइंट पर हमने जो है इसे खत्म किया था, या हम खत्म नहीं कर पाए थे टेक्निकली शुड आई से। लो भाई हम उसी जगह पर जो है वापस पहुंच चुके हैं, एंड दिस टाइम यू कैन सी कि हमें जो है उतना ज़्यादा जो है डैमेज नहीं हुआ है जहाँ तक हम यहाँ पहुँचे हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, इन द रिंग गो टू द अनदर रूड ऑक्विंग पुट हिम अवे। ये क्या भाई, फिनिशर मारना है, आजा आजा भाई तुझे फिनिशर मारते हैं। चल 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 चल, खड़ा हो भाई खड़ा हो। लो जी अब जो है फिनिशर की बारी, आई थिंक इट इज कंप्लीटेड नाउ। इसके बाद जो है यही एक टास्क रह गया था, वो हमने कंप्लीट कर दिया। लो भाई ये एक टास्क के लिए जो है हमें जो है दोबारा से घूमना पड़ा था। तो ये था पूरा सिनारियो, हालांकि हमने तीनों जो है अनलॉक पिछले में भी कर लिए थे, बट यहाँ पर हमने जो है अभी ऑब्जेक्टिव सारे कंप्लीट कर लिए हैं। मैच के एंड में जो हमारा मैनेजर है वो जो है लात पकड़ के जो है अल्टीमेट वॉरियर को पिन करवा देता है, और अल्टीमेटली अल्टीमेट वॉरियर उसे मारता भी है बाद में, बट चैंपियन जो है रेक यहाँ पर बन जाता है। तो यहाँ पर ये शोकेस मोड जो है समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट शोकेस मोड में मिलते हैं। सभी ऑब्जेक्टिव हमने जो है इसमें कंप्लीट कर दिए हैं, और ये है जो रिवॉर्ड्स हमें मिले हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट गेम प्ले में। नेक्स्ट आपको WWE 2K24 या WWE कंटेंट के साथ मिलते हैं। टेक केयर।